जैन दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। कल अपनी पहली क्लास हुई थी ऑनलाइन सब इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यू के लिए, जो पहली क्लास थी वो कल शुरुआत कर दी मैंने, जिसमें हमने जनरल चर्चा की है नॉर्मल इंटरव्यू के समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से इंटरव्यू हॉल में जाना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन सी चीज़ें बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया। अब आज की क्लास में मैं अपन बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा पुटअप होते हैं, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पुटअप होते हैं। तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो एक बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, जिसमें एक चेयरमैन होगा और 4-5 मेंबर होंगे। तो 4-5 मेंबर हैं, वो उनकी सबकी अलग अलग क्वालिटी होगी। जो चेयरमैन होता है वो ओवरऑल सबका मुखिया होगा, और स्टार्टिंग आपका जो इंटरव्यू का होगा वो चेयरमैन से होगा, शुरुआत आपको चेयरमैन करेंगे। उसके बाद में जो बाकी लोग बैठे हुए होंगे, 2-3 मेंबर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 तक हो सकते हैं, उन सारे मेंबर्स की अलग अलग क्वालिटी होगी। एक उसमें से साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपकी साइकोलॉजी चेक करेगा कि आपकी सोच कैसी है, आपकी समझ कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, वो आप में हर चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक जो मेंबर होगा वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा, आपका ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट रहा है वो उसी सब्जेक्ट का होगा। बीए किया आपने, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, या पीजी में आपका जो भी सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट होगा, और वो आपको सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। साथ ही एक बोर्ड के अंदर पुलिस से रिटायर कोई ऑफिसर हो सकता है, जो पुलिस से संबंधित पूरी जानकारी रखेंगे। आईपीएस हो सकते हैं रिटायर, आरपीएस हो सकते हैं, या पुलिस सेवा के रिटायर्ड कोई भी ऑफिसर हो सकते हैं, जो आप में पुलिस से संबंधित सारी योग्यताएं देखेंगे। तो आपका अनुशासन कैसा है, आपका निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, आप कितना जल्दी एक्शन लेते हो, आप कितना जल्दी जवाब देते हो, आप सत्य बोलते हो या झूठ बोलते हो, आप पक्षपात करते हो, आप में जातिवाद है, धर्म का पक्ष लेते हो, ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक पुलिस रिटायर ऑफिसर होंगे बोर्ड के अंदर। जो आपका क्रम होगा वो भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले जैसे आप बैठेंगे जाके, तो आपके बायोडाटा से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो जो चेयरमैन होगा बोर्ड का वो आपके बायोडाटा से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, आपका नाम, फादर्स नेम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका गृह जिला, आपकी स्कूलिंग, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इससे संबंधित क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लिख के तैयार करनी है। आपको बायोडाटा अपना पूरा लिखना है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी लिखनी है, 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, कौन से बोर्ड से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, ये सारी चीज़ें आपको बायोडाटा से संबंधित खुद को तैयार करनी पड़ेंगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे जो साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं या सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, तो अगर साइकोलॉजी से संबंधित होगा तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप संभावित क्वेश्चनों के लिए आपको शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर कहीं भी आपको मिरर उपलब्ध होता है, लंबा शीशा अगर कहीं उपलब्ध होता है, रूम में अकेले में कर सकते हो। बोलने की प्रैक्टिस, कितना जल्दी आपको जवाब देना है, ये सारी चीज़ मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी साइकोलॉजिकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि आप बोलते समय कैसे दिखते हो, आपका चेहरा कितना बिगड़ता है, आपको हंसी कितनी आती है, आप कैसा दिखते हैं, ये सारी चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एक एक एक्शन आपका शीशा बताएगा आपको कि ये जवाब देते समय में मेरा चेहरा कैसे बनता है, आंखों के इशारे कैसे होते हैं, गर्दन कैसे हिलती है, हाथ कैसे हिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको संभावित जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि साइकोलॉजी से संबंधित आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। ज़्यादातर क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होंगे वो आपको एक केस स्टडी देंगे, आपको कोई भी घटना के बारे में बताएंगे कि एक जगह एक्सीडेंट हो गया रोड पर, उस जगह वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, अब आप क्या करोगे, अब आप किसको पहले फ़ोन करोगे, पुलिस को पहले फ़ोन करोगे, फर्स्ट एड दोगे जिसको चोट लगा है, या दूसरा कोई केस ऐसा ले सकते हैं जिसमें कोई आदमी चैन स्नेचिंग करके भाग रहा है, किसी की चैन तोड़ के भाग रहा है, या चोरी करके भाग रहा है, या आपको पता है कि ये चोर है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पब्लिक का आप कैसे सपोर्ट लोगे, आप कैसे एक्शन करोगे। तो ये इस तरह का केस आपको देखे और आपके उसमें व्यू जानने की कोशिश की जाएगी। तो ये केस स्टडीज भी आप अपने आप से खुद शीशे के सामने पूछ सकते हो प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद आपसे जो सब्जेक्ट की जानकारी जो ली जाएगी, जो सब्जेक्ट का आपका जो एक्सपर्ट होगा बोर्ड के अंदर, वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसमें आपको ज़्यादा किताबों के पीछे नहीं पढ़ना है,
बहुत ज़्यादा आपको सारे टॉपिक्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस सब्जेक्ट से संबंधित आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपकी ग्रेजुएशन में मान लो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, या ज्योग्राफी है, या मैथ्स है, या बॉटनी है, जूलॉजी है, जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसके बारे में जनरल जानकारी क्या है, आम जानकारी क्या है, वो सिर्फ पता होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरी तरह किताबों के पीछे लग जाते हैं कि दोबारा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोबारा से आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो चीज़ देखी जाएगी कि आपको अपने सब्जेक्ट की सामान्य जानकारी कितनी है, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ नॉर्मल डिस्कस करना है कि आपके सब्जेक्ट का क्या पूछा जा सकता है। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपकी हॉबी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो दो कम से कम अपनी हॉबीज तैयार रखिए। हॉबीज का मतलब अपने आप से खुद से पूछना पड़ेगा आपको, दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हॉबी के अंदर दूसरे की नकल करेंगे कि इसने ये हॉबी रखी है तो मैं भी ये हॉबी बता देता हूँ, ज़्यादातर बच्चों को अपनी हॉबी का पता ही नहीं चलता है, हमें ये नहीं पता चलता है कि मेरी हॉबी क्या है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मेरी हॉबी है क्या। तो सबसे पहले तो उसको पहचानिए, और जब हॉबी आपको पता चल जाती है, हॉबी वैसे होती वो है जो काम हम खाली समय में करना पसंद करते हैं, जो काम हम बार बार करते हैं। ऐसे नहीं कि जिंदगी में एक बार कोई काम किया वही आपकी हॉबी हो गई, उसको हॉबी नहीं बोलेंगे, वो एक काम है। तो काम के अलावा हॉबी वो होगी जो आप नियमित रूप से खाली समय में करना पसंद करते हैं, और उसके लिए आपको पहले पता करना है कि आपकी हॉबी क्या है, दूसरों से अलग होगी तो आपकी हॉबी के बारे में फिर आपको क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे कि आपकी हॉबी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसमें भी कभी भी आपको कुछ भी नया लगा के बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हम हमेशा हमारा सकारात्मक पक्ष वहाँ रखने की कोशिश करते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। जरूरत अच्छा अगर आप नकारात्मक जवाब भी देते हो तो उसमें भी ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, नकारात्मक में भी। अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब अगर मना करते हो तो भी आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, इंटरव्यू आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है, आपको नॉलेज कितना है, आप इंटेलिजेंट कितने हैं, ये चीज़ मायने नहीं रखती है। आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, आपकी कॉन्फिडेंस का टेस्ट है, और आप कितना जल्दी एक्शन लेते हैं, कितना जल्दी आप किसी परिस्थिति को संभालते हैं, कंट्रोल करते हैं, आप गुस्सा नहीं होते हैं, आप परेशान नहीं होते हैं, आप अपने आप को सहज रख पाते हैं, इन चीज़ों का सिर्फ टेस्ट होता है इंटरव्यू। तो ये चीज़ ध्यान रखिए अपनी हॉबीज़ के बारे में, हॉबी पता करके रखिए, और कम से कम एटलीस्ट दो पता करिए जिससे कि आप फाइनल इंटरव्यू वाले दिन कम से कम एक बता पाएँ, तो हॉबी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि आप पुलिस सेवा में क्यों आना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन भी लगभग तय है, लगभग सारे लोगों से पूछा जाता है, सब लोगों से बार बार ये चीज़ पूछी जाएगी कि आपको पुलिस सेवा के अलावा दूसरे ऑप्शन में क्यों नहीं जाना चाहते। तो उसके लिए जो भी जवाब आपके पास बनता है उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, लिखिए, और वास्तविकता ही बतानी है आपको, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर मनगढ़ंत कोई बात बताते हो कि मुझे तो समाज सेवा करनी है, मुझे तो ये करना है, वो करना है, उससे काम नहीं चलने वाला है। वास्तविकता क्या है, किस इंसिडेंट के बाद आप इंस्पायर हुए हो पुलिस में जाने के लिए, कभी आपने पुलिस को काम करते हुए देखा है उस समय आपको अच्छा लगा है, या आपके फैमिली में कोई पुलिस में कोई काम करते हैं पहले से, या रिलेशन में और कोई है जिनको देख के आपको अच्छा लगता है, या कोई रोल मॉडल है पुलिस ऑफिसर, या कोई मूवी देख के आपको ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा बनना है, तो कोई ना कोई इंसिडेंट से अपने आप को कनेक्ट करना है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है पहले से। तो इस तरह से, और एक दो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर में पहला पेज फर्स्ट पेज आता है जिसमें करंट अफेयर्स आता है, इसके बाद में एक पेज बीच में आता है संपादकीय, साथ ही अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तो आप न्यूज़ भी देख सकते हो, न्यूज़ चैनल भी देख सकते हो। न्यूज़ में जो एक बहस आती है, कई बार कोई करंट मुद्दे पे जो बहस चलती है जी न्यूज़ पे, जी टीवी पे और दूसरे किसी न्यूज़ चैनल पे, तो वो भी आप अपना इंटरव्यू की तैयारी के दौरान आप देख सकते हो 10 दिन 15 दिन तक रेगुलर। राज्यसभा से लाइव आता है, लोकसभा से लाइव आता है, उन चीज़ों से भी आपको काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसको हेडिंग्स को रोज़ रोज़ नोट डाउन करिए, साथ ही उनको बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। देख के बोलना है, मिरर के सामने बोलना है, दोस्तों से डिस्कस करना है, वो चीज़ रोज़ रोज़ करोगे तब आप में वो चीज़ें चेंजेज आएंगी। बाकी आपको ओरिजिनल रहना है, आप जैसे हैं वैसे ही बोर्ड के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, जिससे आपको
मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गए जो आपको लगभग पूछे जाएंगे और जिन पे हमें रोज तैयारी करनी है, रोज हमें ये चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। एक चीज और इसमें हम आज ऐड कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस के बारे में हमने पता कर लिया। कई बच्चों का क्वेश्चन होता है सर पहनावा क्या रहेगा, तो इंटरव्यू के अंदर जाते समय आपका पहनावा क्या रहेगा। पहली चीज हमें वो चीज पहननी है जिसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग पहनावा रहेगा। बॉयज के लिए फॉर्मल ड्रेस, जिसमें वैसे दोनों के लिए फॉर्मल ड्रेस होगी लेकिन लड़कों के लिए होगा उसमें प्लेन कलर का कोई भी शर्ट होगा, लाइनिंग वाले या चेक्स वाले शर्ट नहीं पहनेंगे। प्लेन कलर में लाइट ब्लू हो सकता है, प्लेन वाइट हो सकता है, या उससे मिलता जुलता लाइट कोई कलर हो सकता है शर्ट का। फुल बाजू की, फुल आस्तीन की शर्ट होगी, हाफ बाजू के शर्ट नहीं होंगे और बटन बंद किए हुए रखेंगे। इसके बाद पैंट होगा वो भी प्लेन कलर, सिंगल ब्लैक हो सकता है और ब्लैक से मिलता जुलता कोई दूसरा कलर भी रख लीजिए। और इसके बाद में शूज होंगे वो लेदर के शूज होंगे और लेस वाले शूज होने चाहिए, और ब्लैक कलर रखते हो तो बेस्ट है। दूसरा भी कोई कलर अगर रखते हो तो भी चलता है, लेकिन ब्लैक कलर और लेदर का शूज और लेस वाला होना चाहिए। टाई अगर आप पहले से पहनते हो, अगर आपकी आदत में है तो ही शामिल करना है, नहीं तो टाई जबरदस्ती नहीं पहनना है। अगर आपने पहले नहीं पहनी है तो एक दिन अगर आप पहन के जाएंगे, अगर आपको ज़्यादा शौक है कि मुझे तो टाई पहन के इंटरव्यू देना है, तो पहले से पहनना शुरू कर दीजिए उसको। 10 दिन 15 दिन पहले उसको प्रैक्टिस करिए, पहन के रखिए और उसमें आपको सहज होना है। अगर आप सेम डे अगर टाई पहन के जाते हैं तो आपका ध्यान बार बार टाई पे जाएगा कि टाई सीधी है नहीं है, टेढ़ी है या टाइट हो गई या ढीली रह गई, तो वो चीज़ आपको परेशान करने वाली है। ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनना है जो आपको कंफर्टेबल नहीं लगे, यानी जिसमें आप सहज रहें वही कपड़ा पहनना है। गर्ल्स के लिए कई गर्ल्स को जैसे जो पैंट शर्ट पहनने की आदत रखती हैं, पहले से पहनती हैं, तो वो पैंट शर्ट में भी इंटरव्यू दे सकती हैं। कहीं भी किसी भी जगह ये नहीं लिखा हुआ है या ये नहीं बताया गया है कि आपको यही चीज़ पहन के इंटरव्यू देना है। आप जिसमें सभ्य लगते हैं, आप जिसमें सहज होते हैं, वही ड्रेस पहननी है। तो फॉर्मल ड्रेस जो लड़कों के लिए है वो भी लड़कियां पहन सकती हैं और सूट वगैरह भी पहन सकती हैं। अगर कोई साड़ी पहनना पसंद करती है, साड़ी पहनती है पहले से, तो साड़ी पहन के भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं है पहले से कि आपको क्या पहन के इंटरव्यू देना है। तो ये हो गया आपका पहनावे से संबंधित। अभी से आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हो, अभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपकी जो ड्रेस रहेगी वो इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसमें हम इंतजार नहीं करेंगे, ऐसे इंतजार नहीं करेंगे कि उसको तैयार करके रखेंगे और एक ही बार पहनेंगे इंटरव्यू वाले दिन। उस ड्रेस को, जो ड्रेस आपकी इंटरव्यू के दौरान होगी, उसकी हम प्रैक्टिस पहले से कर सकते हैं। अभी से तैयार कर लीजिए और उसको पहन के शीशे के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप चलते हुए कैसे लगते हैं, बोलते हुए कैसे लगते हैं, बैठते समय कैसे लगते हैं, कैसे बैठे रहना है, कैसे अंदर एंटर करना है। इन चीज़ों के लिए कल हमने वीडियो एक पहले डाल दिया है। जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो पहली क्लास का वीडियो जो कल था वो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। रिम डिफेंस अकेडमी और रिम क्लासेस दोनों के चैनल पे अपलोड कर दिया है। कल वाला पहली क्लास थी, कल आज ये दूसरी क्लास है। इसी तरह से रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेंगी। जो बच्चे हमसे सेंटर में आके जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे रोज़ रोज़ इंटरव्यू देख सकते हैं डेली, और उससे भी आप साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू से संबंधित होते हैं वो आप सीधे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, साथ में हमसे मोबाइल नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दे रखा है, उस पर भी आप पूछ सकते हो, पता कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा है वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों को भी। और इसमें जो सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके अलावा भी, अगर आप किसी दूसरी एग्जाम के लिए भी अगर इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, कंपनी जॉब्स के लिए या दूसरे किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उसमें भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। लगभग सारे इंटरव्यू, सब इंटरव्यू इसी तरह से होते हैं, सब इससे मिलता जुलता ही होता है, कुछ भी नया नहीं होता। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।